कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है ईद का सेकेंड डे और पूरा दिन हम लोग सो रहे थे, आज ईद की थकान निकल रही थी। और शाम को अभी रेडी होके हम लोग जा रहे हैं मॉल। अदीबा सुल्तान सब जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं मॉल जाके क्या करते हैं, कुछ खाए पियेंगे, थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे। तो आपके साथ जो भी होगा शेयर करेंगे। मिलते हैं मॉल में। यहाँ से चांद दिख रहा है इतना प्यारा, इतना खूबसूरत चांद है। ईद वाले दिन चांद जा सकते हैं अपने, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश अच्छी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मॉल आते ही मैंने सोचा क्यों ना मैक्स जाया जाए। बहुत दिन हो गए थे मैक्स के अंदर जाके, देखते हैं कुछ नया मिलेगा तो ले लेंगे। वाह, ये कितना अच्छा है ना। हम लोग जाने से ही आ जाएगा, कह रहे थे हम पापा से यहाँ पे आओ। यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा है। अभी पेड़ में इंजेक्शन लगाने के लिए इट्स हैप्पीनेस जो टीन्स के लिए छोटे बच्चों के लिए ग्राफिक। कौन सा अच्छा लग रहा है ना? 600 रुपये का पैसा तो हाफ आएगा, ये मतलब हाफ ऐसा जुड़ा हुआ। हम ना पे पहना और लंबी जाओगी। ये निकाल बड़ा क्या साइज तुम्हारा है? 6। ये अच्छे लग रहे हैं। ये ग्रीन अच्छा लग रहा है ना। यूनिकॉर्न। हेलो गाइस, चैनल को लाइक करिए। उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है। चलो हेलो गाइस, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उनको देखिए। ये भी अच्छा है ना पी, ये कितना प्यारा है। सो जा। फ्रेंड्स, हम लोग आके बैठे हैं उसके अंदर और ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग फोटोशूट कर रहे हैं। जो दिखाओ दे दे। नहीं, ये दिखाओ। नहीं मत लाओ। वो ये हनी सिंह
सबसे ऊपर फूड कोर्ट की तरफ जाते हुए हम लोग फूड कोर्ट के लिए जाते हुए यहाँ पे IPL चल रहा है। तो मैंने सुना था गेम जोन में नए राइड्स वगैरह आए हैं, नए गेम्स वगैरह आए हैं, तो मैंने कहा अदीबा सुल्तान से क्यों ना एक बार देख कर आते हैं कि कैसे राइड्स हैं, कैसे गेम्स हैं नए नए। तो हम लोग आगे फूड कोर्ट जाने से पहले यहाँ गेम जोन में, और यहाँ पे सच में फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त राइड्स वगैरह आए थे, और कुछ राइड्स तो लूलू मॉल में भी नहीं थे, ऐसे राइड्स थे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए फूड कोर्ट में कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे संडे की वजह से बहुत ज्यादा रश है। हमारा ऑर्डर आ गया। हम नप्पी यहाँ वेटिंग करते हुए मेरे पिज्जे का, इनका आ चुका है मतलब चिकन का मामला। सुबह से क्या हुआ ना, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। सुबह से मैंने सोचा था ब्लॉग बनाएंगे आज, लेकिन ब्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिला। फंसी उठे, नाश्ता करा, खा के सो गए, इतना सोए उठे 5 बजे। 5 बजे मम्मी क्या गई तो गयास भाई आए थे, उनकी फैमिली आई थी, उनसे मिले, फिर बच गए। फिल्म को जाने का प्लान था, लेकिन फिल्म भी 7:30 बजे का शो था, तो बहुत देर हो गया, 8 बज गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कहाँ जाए, तो हंसी ने कहा चलो फोरम मॉल जाते हैं, थोड़ा घूम लेंगे और खा पी के आएंगे, कम से कम ईद के दूसरे दिन कुछ तो करें, कहीं तो जाए। किसी के घर भी नहीं गए मिलने के लिए, जहाँ जाना था वो लोग थे भी नहीं, कुछ लोग नहीं थे, ये बेचारे लोग तो कहीं भी नहीं गए, मम्मी तो घर से निकली भी नहीं ईद में। तो यहाँ पे यही एक डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग का जो खानदान है, जो फैमिली है, वो लखनऊ में है, तो हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं, किसी से मिल नहीं पाते हैं, ईद में कहीं कोई इंजॉय नहीं कर पाते। तो हम लोग बस यहीं पे आ गए, यहीं पे खा पी लेंगे, घर चले जाएंगे, यही इंजॉयमेंट है। हम लोग शायद कल मंडला भी जाएं, ना अभी क्यों बताया, देखेंगे इंशाल्लाह, शायद क्योंकि इनका मामला है और मम्मी का मामला, मम्मी आई नहीं है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ अदीबा को दिखा, बिगड़ गया तो अदीबा का ज्यादा है। हाँ इतना ही दिया, ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा वॉलीबॉल है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मॉल में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है एक बच्चे के साथ, मैं आपको घर चल के पूरे इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बहुत बेकार हुआ। The next day. फ्रेंड्स आज हो गया सेकेंड डे और अभी बज रहे हैं शाम के 5। मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया, आज बहुत हैक्टिक दिन था, बहुत ज़्यादा मैंने कपड़े धोए, घर साफ किया, बहुत ही ज़्यादा काम था मुझे। और कल मैंने आप लोग से वादा किया था कि क्या हुआ मॉल में बताऊँगी, तो कल मॉल में क्या हुआ था ना, एक छोटे से बच्चे का पैर
एलिवेटर में फंस गया था, मतलब आधा उसकी उंगलियां और आधा पैर पूरा फंस गया, मालूम सीधा एलिवेटर जो सीधा चलता ना वैसा नहीं फंसा, फंसी अब जी बताते हैं आप, सीधा जो एलिवेटर रहता है ना वैसे नहीं फंसा, जो साइड रहता है ना एलिवेटर का वहां पे ऐसा फंस गया बच्चे का पैर, बताते हैं आपको, ऐसा ऐसा फंस गया, आधा उंगलियों के साथ आधा पैर फंस गया। और उसकी मम्मी इतना चिल्लाई थी, ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे की इतनी फिक्र है, तो आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहूँगी जितने भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें ऐसी जगहों पे और ऐसी चीज़ों पे, जहाँ हो सके तो गोद में उठा ले छोटे बच्चों को, बिल्कुल उसके ऊपर ना खड़ा करें, क्योंकि बच्चों की आदत होती है ना थोड़े चुलबुले होते हैं तो पैर ऐसे वैसे कर लेते हैं, सीधा पैर नहीं घुसा है साइड में पैर घुसा है, तो बहुत आधे से ज़्यादा पैर अंदर दब गया है। तो कल बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ लगी थी जैसा कि आपने देखा होगा, तो बस यही था। और आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है, देर हो रही थी, पापा का फोन पे फोन आ रहा था, तो हम लोग वहां से निकल गए, रात के 11 बजे हम लोग वहां से आए, और 10 बजे कुछ ऐसा हादसा हुआ था, एक घंटा हम लोग वहीं पे खड़े थे, तब तक बच्चे का पैर नहीं निकला था, और उसकी माँ बेचारी लगातार चिल्ला रही थी, उसके पापा भी, और बहुत ज्यादा बहुत खराब माहौल था फ्रेंड्स। और मुझे पता भी नहीं है कि बच्चे का पैर कैसे निकला क्या हुआ, क्योंकि हम लोग घर वापस आ गए थे, लेकिन मुझे देख के इतनी दहशत हो रही थी, पूरा पैर आधे से ज़्यादा अंदर था, अल्लाह रहम करे बस निकल गया हो, मैं तो यही दुआ कर रही हूँ, कल से मैंने नमाज भी मानी हो बच्चे के लिए, अल्लाह पाक उसका पैर निकल जाए। तो बस फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं कल एंड करना भूल गई थी, तो आज एंड कर देती हूँ। आपको कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलूंगी एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, और आज जाने का प्लान था वंडरला तो कैंसिल हो गया कुछ रीज़न की वजह से, बस ऐसे ही हम लोग लेट सो के उठे और घर का काम इतना बाकी था फ्रेंड्स, कैसे ऐसे घर छोड़ के जा सकते, ईद के बाद घर थोड़ा गंदा गंदा, उसको साफ करना, कपड़े धोना, बहुत सारा काम था, तो हम लोग नहीं गए वंडरला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस आज भी कुछ प्लान है शाम के टाइम निकलने का फैमिली के साथ, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग व्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए और प्यार देते रहिए, फिर मिलूंगी एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुआओं में याद रखिए, लव यू ऑल, कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा।